डब्बा पानी में बह गया था मेरा माचिस का डब्बा। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं भी ठीक हूँ। आप लोगों ने मेरे पहले वाले ब्लॉग में देखा ही होगा कि मैं गिवेली गांव में गई थी, मेरी नानी लोगों का पुराना गांव, और वहाँ पे भी आप लोगों ने देखा ही होगा कि वहाँ पे पूजा हुई थी भैरव मंदिर में। और फिर हम लोग आ गए थे शाम के समय अपनी नानी के गाँव कुंडजोली गाँव में। तो अभी तो सुबह हो गई है, तो अब मैं जा रही हूँ मंदिर में दर्शन करने के शिव जी जी के। मैंने सोचा मैं आप लोगों को भी दर्शन करवाऊँगी, और घर में ना नानी के गांव में कुछ दोस्त भी आ रखे मेरी मम्मी के, उनसे भी मिलाऊंगी। तो पहले हम लोग चले जाते हैं मंदिर, और हमारा हो चुका है ब्लॉग स्टार्ट। उसी एक चीज हम लोग नहीं भूलेंगे, हर महादेव सिद्धवली बाबा की। तो चलते हैं मंदिर के दर्शन कराने के लिए, चलो। और मैं आगे भी दिखाती हूँ, बहुत तेज धूप भी हो रही, ठंड मतलब शाम के समय ठंड स्टार्ट हो जा रही। रात को हम लोग ना रजाई ले रहे, तो मेरे फेस में काफ़ी लाइट भी आ रही होगी। तो चलते हैं अब। तो फिर सब उर्वशी ने कैमरा पकड़ लिया, मैंने ना अपने बाल बांध लिए, मैंने भी बांध रखे सही है, इस वजह से यहाँ पे गाय भी है, नानी भी है, यहाँ पे गाय नानी भी है। कोई आ गया मंदिर, गांव में सब नानी है, ये रहा मंदिर। तो अब चलते हैं मंदिर के दर्शन करने के लिए, चलो। उर्वशी ने फाइनल कर चुका है, तो उर्वशी शर्माती है ब्लॉग बनाने के लिए, पता नहीं क्यों शर्माते, पर आज नहीं आ रही। चलो आज नहीं आ रही शर्म? नहीं। अच्छा चलते हैं भगवान जी के दर्शन करने के लिए। अब उसे पूरा फोकस मेरी तरफ कर दिया, देखना जरा। मंदिर है ना एकदम नया बन गया, मैं तब एक बार आई थी तो उस समय ये नहीं बना था, जो यहाँ पे एकदम मस्त करके यहाँ पे बन रखा है पेंट वगैरह करके। और हमारी तो हाइट कम है, तो हम तो इसको खींचेंगे। चलो फिर चप्पल निकाल। हाँ चप्पल तो निकालूंगी, मैंने निकाल दी। और यहाँ पे मेरी आवाज़ गूंज रही है क्योंकि अभी मंदिर में कोई नहीं है, और मंदिर के सामने यहाँ पे नदी भी है। तो उर्वशी मंदिर के बाद जाएंगे नदी में। हाँ तो चलते हैं मंदिर के अंदर दर्शन करने के लिए, चलो। तो फ्रेंड्स, हम लोग घर से ना लोटा नहीं लेके आ रखे हैं, तो मंदिर के अंदर हम लोगों को लोटा मिल जाएगा, तो चलते हैं। ये रहा शिव जी का मंदिर, तो आप लोग यहाँ दर्शन कर लीजिए। काफ़ी अच्छा मंदिर बन चुका है अब। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लोटा ले चुका है पानी भरने के लिए, बाहर में ही है नल, तो चलो। बहुत तेज पानी भी आ रहा है। ओ ओ क्या हो गया ये, कितना तेज पानी आया ये। खत्म। तो फ्रेंड्स एकदम से क्या हो भाई, बहुत तेज पानी आ रहा है। तो चलो चलते हैं मंदिर के अंदर भगवान जी पे। चलो तो मैंने टीका भी लगा चुका है, तो अब मैं जा रही हूँ नीचे नदी में, चलो फिर आप भी मेरे साथ। दर्शन तो हम लोगों ने कर दिए, गेट बंद भी कर देते हैं क्योंकि जो गेट था वो पहले भी बंद था इस वजह से। उर्वशी होने लगी मस्त स्टार्ट। यहाँ पे छोटी छोटी मछली तैर रही, बहुत छोटी छोटी है मछली है, पता नहीं क्या है, मछली होगी, छोटी छोटी मछलियाँ रहती है नदियों में। और कुछ बच्चे उधर नहा रहे छोटे छोटे। तो फ्रेंड्स मछलियाँ तो उधर है, इस साइड है, नीचे का कैमरा फिर दिख रहा है। अच्छा उर्वशी खा रही है मुझे, किधर है थोड़ी देर, बहुत सारी मछली फाइनली मेरे को मिल गई है। ये देखो कितनी सारी यहाँ पे मछलियाँ हो रखी है, ये देखो मैं आप लोगों को जूम करके दिखाती हूँ, ये देखो कितनी सारी है। आई विश आप लोगों को दिख रही होगी, बाकी तो अपनी तरफ से मैं ट्राई कर रही हूँ। ये देखो बहुत सारी मछली मिल गई, पहले तो दिख नहीं रही थी, अब इतनी सारी दिख गई कि मैं आप लोगों को दिखा दिखा के थक गई।
कि यहाँ पे मछली है, यहाँ पे मछली है, देखो कितनी सारी दिख रही होगी आप लोगों को भी। ये देखो अब हम लोग जा रहे हैं नानी के घर। अभी हम लोगों ने काफ़ी फोटोज वगैरह खींची और रशिका तो अभी भी मन कर रहा है कि दीदी अभी रुक जाते हैं। मैंने कहा रुक जा, दूसरे दिन जो मम्मी आएगी उस दिन और फोटोज़ खींचेंगे। अभी उसको चैन नहीं है, देखो मज़ा आ रहा है उसको घूमने में। मैंने कहा काफ़ी तेज़ धूप भी हो गई है तो मैंने कहा सर दर्द हो जाएगा ना इस वजह से। मैंने कहा चल लेते हैं मम्मी के दोस्तों से। मेरे तो पूरा यहाँ लोअर भी गिल्ला हो गया यहाँ पानी में फ़ोटोज़ खींचते खींचते। चलो रशिका ठीक है, हाँ तो हम एक दो दिन बाद आएंगे अब यहाँ पे पानी में खेलने के लिए, तो अब चलते हैं। कर चुके और ये रहा जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे नहा रहे, उर्वशी और मैं यहाँ पे मस्ती कर रहे हैं, तो आप लोग देख लीजिए आगे और भी है। ये देखो उर्वशी जा रहे नानी के घर में, और इसको देखना क्या हो रहा है। ये अभी तो पानी नहीं भरा, पहले नदी में खेला अब इस पानी के साथ खेल रहा हूँ। हाँ इस पानी के साथ खेल रहा हूँ, तो उर्वशी का ना मन नहीं भरा है। लेकिन कहा चल चल लेते हैं। माचिस का डब्बा पानी में बह गया था, मेरा माचिस का डब्बा वो तो मैंने देखा रहे था, उर्वशी ने देखा था, वो उसके बाद में लेके आ गई। तो चलते हैं। तो आपको मैंने अपनी नानी के गाँव का मंदिर दिखा दिया शिव जी का, अब मैं आप लोगों को दिखाऊंगी मम्मी के दोस्त लोग से मिलाऊंगी। हम पहुंच गए नानी के घर में, तो ये है मेरी नानी का घर। उर्वशी आगे भाग गई है, तो चलते हैं। ऊपर की तरफ है मेन रोड, तो सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है, तो चलते हैं। दोस्तों को मिलाती है मुलाकात आपको आज। ऐसे रास्ते होते हैं गांव के, जैसे हमारे यहाँ सीढ़ी होती है ना, तो यहाँ पत्थर के बनते हैं, जो बड़े बड़े पत्थर होते हैं ना उसके, मजबूत भी रहते हैं काफ़ी टाइम से है ये। नानी लोग की पहले गौशाला थी, बट अब नहीं है, गाय वगैरह बकरी कुछ नहीं है, पहले थी। तो फिर भी आप लोग यहाँ देख लीजिए ऐसा होता है। अब तो ये स्टोर रूम बन चुका है, ये देखो। तो पहले के हाइट के जो दरवाजे होते थे ना काफ़ी छोटे होते थे, देखो कितना छोटा सा है, इसे झुक के जाना पड़ता है। और पहले फिर बाहर रहती थी गायें, अब तो गायें ही नहीं है, बट ये पूरा वैसे ही मजबूत। ये पहले की टंकी है और ये रहा घर। तो अब चलते हैं अंदर, पहुंच गई मामी। तो मैं आ गई, मेरी मम्मी, मम्मी की दोस्त। हेलो फ्रेंड्स, मम्मी का हेलो फ्रेंड्स आज छूट गया था, तो मम्मी ने आज बोल दिया मिल गए होंगे। और ये रही मेरी मम्मी की दूसरी फ्रेंड। कैसा लगा था इतने टाइम बाद मिल गए? बहुत अच्छा। हाँ और मंदिर में आप लोग भी आए थे ना, मंदिर में भैरव मंदिर में कैसा लगा? मंदिर में आए थे मिलने के लिए, है ना। हाँ कैसा लगा आप लोगों को मंदिर में दर्शन करके? बहुत अच्छा लगा, मजा आ गया। साल भर में मिलना भी हो जाता है सबके साथ। हाँ मंदिर के बहाने सब मिल जाते हैं। हाँ दीदी बुल्ली बड़ा छोटा, जल मेला में मिलती साल भर में एक बार। उन्नी मजा आ गया, खूब डांस किया, डांस खाया पिया। हाँ कीर्तन वगैरह भी था वहाँ। अपने बचपन की सब सहेलियां, सब दीदी बुल्ली जो भी नया साका उन बोल दो कि भैया देखो साल भर में आंचन। हाँ साल भर में सब तो आंचन दर्शन। हाँ और एक दूसरे से मिले जे अच्छा लगता है, मंदिर के दर्शन भी हो जाते साल भर में एक बार, और मिलना भी हो जाता है गांव भी साल भर में ना। आना चाहिए और अच्छा लगता है। मैं तो आगे ये कहूंगी कि भैरव बाबा के दर्शन करने हर साल आओ सब, जो इस साल नहीं आ पाई वीडियो देख के वो लोग हर साल आइए, यही है बस। सही था, मंदिर में भी दर्शन करके कीर्तन वगैरह भी हुआ, कीर्तन व्यवस्था भी पूरी थी, खाने का भी, खाना भी काफी अच्छा था। अच्छा कर रखा गांव वालों ने, काफी अच्छा था, व्यवस्था बढ़िया, बहुत ही सुंदर ये गांव, मतलब
लोग बाग कम थी तो मतलब की परेशानी बाबा लोग भी दूर दूर से आ रखे थे काफी मतलब अलग अलग हाँ मंदिर में दर्शन करने के लिए ना। हाँ अरे आप लोगों का मिलना भी हो गया ऐसी बहाने ऐसे हो जाता है जब फंक्शन वगैरह तभी तो मिलना होता है। बहुत अच्छी बात है वो लोग मिल जाते हैं जिनको हमने मतलब कभी नहीं देखा भी नहीं होता या कभी टाइम से काफी टाइम से मिलना भी नहीं हो पाता किसी से। वो जो दिन हम भूल गए मतलब वो याद आ जाती पहले की स्कूल। हाँ तो मम्मी जब हम लोग वहाँ गए थे गिवेनी गाँव में तो रोशि क्या बोलती कि स्कूल इतनी दूर है तुम कैसे आते थे। तो वही पहली पहली बात याद आ जाती है दोस्त लोगों से मिल गए तभी तो सही लगता है माना चाहिए। और यहाँ पे बगल में रोशि भी बैठ रखे कोई इस वीडियो के माध्यम से वो आप लोगों को भी देख लेंगे कि आप लोग यहाँ आ रखे हो। मम्मी अगले साल तुम भी जरूर आना जो नहीं आ पाए आंचन उर्मिला। आप लोग वीडियो देख रहे जितने नाले लाल अगले साल आना रजनी आप सही पक्का आ रहे हैं सब अगले साल। मंजू आशा और शांति और मालती और कुछ ना 15-20 लड़के नहीं आ रहा लगभग लगभग मतलब 15-20 लड़के नहीं आप आपको मैसेज दिया जा रहा है अंजू अंजू बीच और मेरी भूली अगले साल पक्का है पक्का यहाँ उर्मिला लोग साहब जितना नाम लिया अगले साल पक्का मिले हम तक। अरे आप लोग कहाँ कहाँ से आ रखे अभी बता दो एक बार जब दो को भी लगेगा कि आप लोग यहाँ से आ रखे है। और लोग नए लोग देखेंगे तो उनको पता होना चाहिए कि आप गांव से आ रहे हैं गांव में आ रखे होते दूर से रेणु प्रसाद रेणु हमसे भी मिले है ना। हम लोग भी कोटद्वार से आ रखे हैं यहाँ पे मंदिर के दर्शन करने के लिए। तो धन्यवाद आप लोगों का अच्छा लगा है कोई नहीं तुम्हारे चैनल के माध्यम से जो है आपको संदेश भेज दिया वही तो संदेश तो था कि आइए आप लोग भी जो लोग नहीं आ पाए 15-20 लोग जैसे आप लोग कह रहे हो वो लोग आएंगे फिर अगले साल ये वीडियो में देखने के। ठीक है आ गई हूँ अब छत में और आप लोग मेरी मम्मी और मेरी मम्मी के दोस्त लोगों से भी मिल गए होंगे उनसे मेरे को मिलकर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि मैं तो भाई आंटी को तो मतलब मौसी को तो मैं जानती थी एक जो थी दूसरी को मैं नहीं जानती थी मतलब बातें तो सुन रखी है मम्मी कर बातें तो करती रहती थी कि हम ऐसा करते थे स्कूल टाइम पे वैसा करते तो बातें मम्मी अपनी हर एक दोस्त की करती जो लोग नहीं प्यार रखे मम्मी के दोस्त तो मम्मी उनकी भी बातें करती थी बट ऐसे मिलना नहीं हो पाया तो ये मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगा कि साल भर में जो ये फंक्शन कर रखा है कि भैरव मंदिर के दर्शन के लिए और साथ में सबका मिलना भी हो जाता तो बहुत बढ़िया है। तो मैं ये चाहती हूँ जो लोग नहीं आ पाए इस साल चलो कोई बात नहीं आप लोग नहीं आए अगले साल आप लोग पक्का आना इस साल तो मैं भी आ रखी थी दर्शन करने के लिए और मेरे को बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगा दर्शन करके क्योंकि मैं जैसे हम मेरे नानी का गांव है गेमेली बट जो पुराना गांव है वो है मतलब सॉरी मेरे जो नानी का जो गांव था पुराना वाला वो था गेमेली गांव बट फिर बाद में मेरी नानी लोगों ने ना गाँव था तो वहाँ मैं जाती थी कभी नानी के साथ घूमने के लिए बट मैं भी नहीं गई थी कभी भैरव का मंदिर क्योंकि भैरव का मंदिर थोड़ा दूर था मेरे को पता भी नहीं था पर इसी बहाने मैं भी भैरव मंदिर के दर्शन कर पाई और आपको भी करवा पाई। तो ऐसा होता है ना जो चीज़ हमें जल्दी से मिल जाती है वो चीज़ का इतना मज़ा नहीं आता जिस चीज़ में हम मेहनत करते हैं जब उसका फल मिलता है तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं मंदिर के दर्शन कर रही हूँ जो मंदिर था काफ़ी हाइट में था कुंजोली गाँव से गिवेली गाँव काफ़ी दूर है मतलब जो मम्मी लोगों के लिए तो सही है मम्मी लोगों को पहले क्या रहते हम लोग थे हमारी एज के तो हम तो थक गए थे बट जो भी था मज़ा बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जाने में सबके साथ मस्ती करने में डांस वगैरह किया हम लोगों ने जो कुछ भी सब कुछ आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था अपने ब्लॉग के साथ। और अभी हम लोगों ने खाना खाया अभी बच चुके हैं शाम के दो सबके सब अब सो गए मैं भी सो जाती हूँ बट आप उससे पहले यहाँ का मौसम देखो एकदम से मौसम ख़राब हो गया क्योंकि बारिश वाला मौसम हो चुका है ये देखो आप लोग कैसे हो रखा है पूरे बादल यहाँ काले हो रखे हैं मैं आप लोगों को बैक कैमरे से दिखाती हूँ
देख लीजिए मौसम ना एकदम से खराब हो गया। सही हुआ कि जिस समय भगवान जी के हम लोग दर्शन कर रहे थे भैरव मंदिर के, उस समय नहीं हुआ क्योंकि फिर दिक्कत हो जाती है, उन्होंने खाना वगैरह बना रखा है वो फैल जाता उड़ जाता, तो यही तो होता है भगवान जी की कृपा कि उस समय नहीं हुआ। अब देखो जरा मौसम देख दिया होगा, मौसम कितनी बुरी तरीके से ख़राब हो गया, मतलब ख़राब भी क्या हुआ है, मतलब बारिश तो नहीं आ रही पर थोड़ा ठंडी हवा वगैरह से तूफान आने लग गया है। बट सही हुआ कि जिस समय तक एक दो दिन तक जो भैरव के मंदिर में जो पूजा पाठ हो रही थी, काफ़ी लोग दूर दूर से आ रहे थे दर्शन करने के लिए, उस समय नहीं हुआ क्योंकि देखो खाना वगैरह रखा है, टेंट वगैरह है, धूल वगैरह हो जाते हैं खानों में, खाना उड़ जाता है, मतलब बहुत सारी दिक्कत होती है। तो चलो वो नहीं हुआ, बहुत बढ़िया से हो गया, भगवान जी के दर्शन भी हो गए और देख भी लिया। आपको मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद, क्योंकि विदाई हो रही है नानी, पैसे दे रही भाई ले नहीं रहे, ये सिस्टम था तो हमारा बहुत ही थोड़ी ना आया भाई, तो मिलने मिलने आए इन सबको मिलने आए, ये तुम घर जाते नहीं मी मदिया जा तो भैया नानी ने बहुत अच्छे डायलॉग चाहिए, अगर तुमको मेरे को ही दे दो बोल। ये दोनों मौसी चली गई है, एक जिट्ठी है एक मौसी है, आगे वाली है मौसी पीछे वाली है जिट्ठी। आप लोग ने देख दिया होगा जिट्ठी और मौसी चले गए हैं, तो उर्वशी ने मेरे को बोला कि दीदी चलो कहीं घूमने चलो, क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हो रखा है, सिर्फ 6 बज रखे हैं, तो मैंने कहा ठीक है एक राउंड थोड़ा घूम के आ जाते हैं। ये देखो ये रही है तो आगे भागने भी लग गई है, तो चलो चलते मैं आप लोगों को थोड़ा बहुत गाँव दिखा देती हूँ। चलो व्यू देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा व्यू आता है गाँव का, ठंडी हवा, बहुत ही ठंडा मौसम हो रखा है गाँव में, ये देखो आप लोग। आप लोग ने देख दिया होगा कि हम लोग सुबह के समय गए थे मंदिर, उसके बाद मेरी मम्मी लोगों के दोस्त लोग भी आए थे, उनसे भी मैंने आप लोगों को मिला ही दिया होगा। अभी मैं और रोशी थोड़ा बहुत यहाँ पे घूम रहे थे, अब हम लोग तो जा रहे घर, एक राउंड मार के आते हाँ। तो आज का ब्लॉग है मैं यहीं पर ही खत्म करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, लगे तो लाइक करे शेयर करे कमेंट करे, मिलते एक और नेक्स्ट अच्छे से धमाकेदार ब्लॉग के साथ, बाय। ओके बाय, और नेक्स्ट ब्लॉग भी बहुत ज्यादा मस्त होने वाला है, तो आप लोग उसको वेट पक्का करना। ओके बाय फ्रेंड्स।